टीकमगढ़ में स्व सत्येंद्र सिंह बुंदेला की 18वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पुत्र और पूर्व सरकार के मंत्री जयवर्धन सिंह ने पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला के निज निवास पर पहुंचकर कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों एवं आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने जयवर्धन सिंह को पुष्पमाला पहनाकर मुलाकात की। इसके पश्चात जयवर्धन सिंह स्व सत्येंद्र सिंह बुंदेला को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होने बड़ा गांव पहुंचे, जहां समारोह में जनता को संबोधित किया। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। जी, आज आप टीकमगढ़ के प्रवास कर रहे हैं, टीकमगढ़ में आए हैं, क्या कुछ खास? आज विशेषकर स्वर्गीय दाऊ सत्येंद्र सिंह जी के स्मृति में एक बहुत विशाल टूर्नामेंट दिन में भी हुआ और अभी रात को भजन संध्या का कार्यक्रम है। आज मेरे साथ यहाँ पर चंदेरी के लोकप्रिय विधायक गोपाल सिंह जी भी यहाँ पर धारे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता यादवेंद्र सिंह जी के पूरे परिवार के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे युवा भाई शाश्वत जी भी यहाँ मौजूद हैं और हमेशा मैं मानता हूँ कि बुंदेला परिवार का टीकमगढ़ के विकास में एक अहम योगदान रहा है, अहम भूमिका रही है और इनका संबंध आज का नहीं है जनता के साथ, पीढ़ियों का है। और मैंने खुद देखा है जिस प्रकार से आज भी बुंदेला परिवार जो व्यक्ति में घर पे आता है, दरवाजे पे आता है, उनकी वो मदद करते हैं, चाहे वो कोई भी परिवार से हो, कोई भी समाज का हो, और यही असली सेवा भी होती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।